अभी आपको बताएं कि आशियाना इकबाल रेफरेंस लाहौर की एहतसाब अदालत में समाअत। नए प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह एहतसाब अदालत में दाखिल कर दी है। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आशियाना इकबाल रेफरेंस पर असरअंदाज नहीं होता। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि आशियाना इकबाल रेफरेंस पर अदालत आज ही फैसला सुनाएगी। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। इबादुल हक कहिएगा जी, एहतसाब अदालत ने जो शहबाज शरीफ के वकला को ये बावर करवाया कि आज ही फैसला सुनाया जाएगा और रेफरेंस पर फैसला 1 से 2 घंटे में सुनाया जाएगा। अब इससे पहले नैब ने अदालती हुक्म पर तशरी अदालत में पेश की कि आया जो सुप्रीम कोर्ट में नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपील की गई है, क्या वो उसके बाद इस रेफरेंस पर फैसला सुनाया जा सकता है या नहीं सुनाया जा सकता। नैब के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने ये बताया है कि इस रेफरेंस पर ये मामला असरअंदाज नहीं होता, इस पर फैसला सुनाया जा सकता है वो सब उन रेफरेंस पर सुनाया जा सकता है जो पहले दाखिल दफ्तर कर दिए गए थे, जो पहले दाखिल कर दिए गए थे। ठीक है बादुल हक, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।